जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कंपनी, हालांकि अब तो छोटी नहीं रही क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है और शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ गया है, जिस वजह से कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस काम के बिहार पर कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट बना हुआ है। आगे भी उस सेक्टर में तेजी रहेगी, इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद। फिर भी आपके हाथ से स्टॉक निकल गया है तो इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि अभी भी इस स्टॉक में कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या अभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं, और साथ में इसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमेशा तेरे काम के बिहार पर समझेंगे कंपनी के काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, विंड टर्बाइन बनाती है, विंड टर्बाइन के साथ साथ ये कंपनी सोलर पैनल बनाने का भी काम करती है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली एक छोटी सी कंपनी है। हालांकि अब मैं बार बार कहता हूँ छोटी नहीं, लेकिन मार्केट कैप देखेंगे बढ़कर तकरीबन 57,000 करोड़ के आसपास हो गया। 57,000 करोड़ मार्केट कैप होने का मतलब वह कंपनी लार्ज कैप श्रेणी की कैटेगरी में आती है। 20,000 करोड़ से जब ऊपर किसी कंपनी का वैल्यूएशन होता है तो लार्ज कैप श्रेणी की कैटेगरी में आने लगती है। शेयर प्राइस यदि देखें तो 42 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। हालांकि स्टॉक का पी अभी काफ़ी महंगा है। देखिए, सामान्यतः जिस स्टॉक में लंबी तेजी देखने को मिलती है कुछ दिनों से, उसका पी महंगा हो ही जाता है क्योंकि उस शेयर का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा तो पी महंगा होगा। हालांकि पी के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का प्राइस थोड़ा आपको महंगा दिखेगा, तो इसलिए सिर्फ शेयर प्राइस देख के हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसके लिए हमें कंपनी का टेक्निकल और चार्ट देखना होता है, जहाँ पर पता लगता है कि एक्चुअल में कौन सा प्राइस है जहाँ पर हम इस स्टॉक को उठा सकते हैं, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी देखेंगे कंपनी का ROCE 20% के आसपास चल रहा है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा कंपनी रिटर्न निकाल कर देने के लिए तैयार है यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होता है तब। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने काम और फंडामेंटल को समझा। आप चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि कोई नया व्यक्ति यदि इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो किस प्राइस पर इसमें एंट्री ले सकता है। तो अभी हम लोग आ गए 3 साल का चार्ट पर। 3 साल का चार्ट पर यदि देखें तो आपको यहाँ पर देखिएगा दिसंबर 2020 से, देखिए दिसंबर 2020 और अभी चल रहा तकरीबन दिसंबर 2023 आ गया, यानी कि तकरीबन 3 साल में देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस कहीं नहीं गया, एक ही रेंज में 10 रुपये से लेकर 5 रुपये इसी के बीच में आपको कॉन्सोलिडेट करते हुए नजर आ रहा था। अब दो तीन बातें हैं। एक तो जो लोग मानकर चल रहे थे कि सुजलोन एनर्जी जो काम करती है काम के बिहार पर एक दिन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, उनको अभी फायदा मिला। दूसरा, जो लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो तो जब भी कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो उसमें एक लंबा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उनको भी अभी एक पेशेंस रखे होंगे तो उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट जरूर हुआ होगा। देखिए, कंसोलिडेशन उसके बाद एक लंबा ब्रेकआउट देखने को मिला, तकरीबन 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक इस स्टॉक का प्राइस बहुत कम समय में आ गया है, यानी कि तकरीबन 4 गुना हो गया है उनका पैसा। लेकिन उनका क्या, जिनके हाथ से स्टॉक निकल गया जो अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए उनके लिए देखिए, अभी मैं 1 साल का चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ और 1 साल के चार्ट पर देखिए। अभी तो चूंकि स्टॉक का पी भी काफ़ी महंगा और शेयर का प्राइस भी काफ़ी बढ़ गया, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है इसमें प्रॉफिट बुकिंग का। जहाँ जब भी ब्रेकआउट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, जहाँ पर भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो मुझे उम्मीद है 45 से लेकर 50 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा। जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगा स्टॉक का प्राइस थोड़ा कॉन्सोलिडेट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा, और नीचे रिट्रेसमेंट करने के बाद जब प्राइस ऊपर उठने लगे फिर आप वहाँ पर 35-30 रुपये जहाँ भी आए वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नया व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी लंबी अवधि के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है वो अभी अगर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का वो प्लान था तो आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या हाफ क्वान्टिटी सेल कर सकते हैं, हाफ क्वान्टिटी को इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि सुजलोन एनर्जी लंबी रेस का घोड़ा है, आपको यदि मैं बताऊँ तो क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी के बढ़िया आ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल भी कंपनी का आपको लगातार मजबूत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कंपनी का सेल्स यदि देखें तो लगातार इस सितंबर क्वार्टर में भी बढ़ा है पिछले क्वार्टर मुकाबले, हालांकि पहले के कुछ क्वार्टर मुकाबले अभी भी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्स कंपनी का धीरे धीरे लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, और सेल्स बढ़ने का नतीजा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए ही दिख रहा है। तो ओवरऑल यदि देखें तो कंपनी की सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, और कंपनी के काम के हिसाब से मैंने आपको बताया इसमें लंबी अवधि में भी तेजी बने रहने के चांसेज हैं। इसलिए सुजलोन एनर्जी जैसी कंपनी जो भारत में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल और विंड टर्बाइन बनाती है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सुजलोन एनर्जी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।